जय हिंद दोस्तों दोस्तों हमारी जो कंप्यूटर थ्योरी क्लासेस चल रही थी हमारे चैनल पर उसी में एक और थ्योरी क्लासेस लेकर मैं आ गया हूं आपके बीच आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जिस चैप्टर को जिस चैप्टर की थ्योरी हम लोग कवर करेंगे वो है एमएस स्प्रेड स्प्रेडशीट दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से वीडियोज को देख रहे हैं और अभी तक तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे गुरुत्वपूर्ण वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियोज को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल के माध्यम से कंप्यूटर सीखते रहें सभी तरीकों की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप पाते रहें तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सएल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे तो कंप्यूटर की हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होती है एमएस एक्सएल आपको बहुत हेल्प करती है आपके कैलकुलेशन में आपके काम को आसान बनाती है यदि आपके पास इसकी जानकारी है तो आप कहीं भी जॉब करेंगे तो इसका यूज करके आप अपने काम को काफी आसान बना सकते हैं और ज्यादा समय में, में होने वाले काम को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं एमएस एक्सेल के माध्यम से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट इज परफेक्ट फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा बजट सेल्स फिगर्स एंड अदर डेटा मतलब कि ये बहुत ही पावरफुल एक स्प्रेडशीट है एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बहुत परफेक्ट है बहुत परफेक्ट कह सकते हैं एकदम ही परफेक्ट है किसके लिए किसी भी लॉन्ग लिस्ट वाला डेटा है उसको मेंटेन करने के लिए बजट को मेंटेन करने के लिए सेल्स फिगर को मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए और किसी भी तरीके का अदर डेटा भी आपको मेंटेन करने के लिए ये परफेक्ट एक एप्लीकेशन है स्प्रेडशीट एम एक्स एमएस एक्शन इन दिस चैप्टर यू विल लर्न सम इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फिगर सॉरी फीचर्स ऑफ एक्सेल लाइक टेबल इस में हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से वी विल लर्न सम इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एक्सेल की फीचर्स जैसे कि टेबल सेल डिफरेंस एंड बिल्ड शॉर्टिंग ऑफ डेटा एक्सेटर्स लेट्स डिस्कस दिस फीचर्स वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारे फीचर्स के बारे में जानते हैं पहला क्रिएटिंग अ बार और कॉलम चार्ट यदि हमें क्रिएटिंग अ बार बार क्रिएट करना हो या कॉलम क्रिएट कॉलम चार्ट बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग डिस्कस करते हैं थ्यूरी प्रैक्टिकली हम लोग बाद में वन बाई वन हम लोग उसको भी जानेंगे प्रैक्टिकली भी थ्योरी पहले हम लोग थ्योरी जानते हैं थ्योरी जानना बहुत ही जरूरी है प्रैक्टिकल के संग संग ठीक है तो टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ कॉलम एंड बार चार्ट इन एक्शन लेट्स यूज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ मार्क्स सेक्योर्ड बाई सम मैथ्स दैट वी वॉन्ट टू शो इन अ चार्ट फॉर्मेट नोट दैट कॉलम चार्ट इज वन दैट प्रेजेंट्स योर डेटा In vertical columns. A, a bar chart is very similar in terms of options you have but presents your data in horizontal bars. The step below take you through creating a column chart but you can also follow them if you need to create a bar chart. Preparing chart data. The table below shows the data गुड लुकिंग चार्ट इस तरीके का मतलब जब भी आप एक्सेल शीट ओपन करेंगे देखिए यदि इस आप उसको लुकिंग के हिसाब से देखिए जब आप उसको ऑर्डर में करेक्ट ऑर्डर में सजाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा दिखने में एक चार्ट लगेगा क्रिएटिंग योर कॉलम चार्ट

पर्टिकुलर शीट में आप काम करना चाहते हैं किस डेटा के ऊपर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसे पहले हमें समझा देना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे उसमें कॉलम होते हैं रोज होते हैं किस रो किस कॉलम पे आप काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते उसे भी समझाना पड़ता है आप एक बार उसको हिंट्स दे देंगे उसके बाद वो क्या करता है उसी बेस पे वो काम करता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है जिसको हम जिस डेटा को लेकर हमें चार्ट बनाना है उसको हमें सिलेक्शन कलना पड़ता है तो वही बोला गया फर्स्ट सेलेक्ट योर डाटा मेकिंग श्योर दैट यू इंक्लूड ऑल द डाटा दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन द इन द चार्ट इन आवर एग्जांपल एवरव देयर मींस सेलेक्टिंग द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम बी5 टू डी3 मतलब जिस कॉलम को जिस रेंज को आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस को देखेंगे तो मैंने इससे संबंधित एक वीडियोस बना दिए हैं आपको रेंज सब समझ में आएगा बहुत सारे वीडियोस एक्सेल से संबंधित लेकर आऊंगा इसमें आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे लेकिन तभी जब आप वीडियोस को पूरा देखेंगे समझेंगे सही से सुनेंगे और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे तो सेकंड में क्या बोला गया एग्जाम्पल जब भी हम एक्सेल शीट को ओपन करते हैं देखिए हमारे ऑप्शंस में हमें ऐसा दिखता है तो इनमें से हम लोग रेंज को सेलेक्ट करके और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे इट्स इंपोर्टेंट टू रिमेंबर टू इंक्लूड द रो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो जिसमें आप उसको जिस जैसा आप चार्ट बनाना चाहें अपने हिसाब से उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसको ओके okay करेंगे कॉलम चार्ट में देखिए ऐसा कुछ आपको दिखेगा इतना सारा जिस तरीके का आप इसको शक्ल देना चाहेंगे आप दे सकते हैं सब चार्ट के ही बहुत सारे वेरियजन है ठीक है उसके बाद इन आवर केस वी आर क्रिएटिंग अ कॉलम चार्ट एंड बार यदि हम कॉलम चार्ट बनाना चाहेंगे तो देखिए कॉलम चार्ट ऐसा आपको दिखेगा लाइन चार्ट में जाएंगे देखिए ड्रॉप डाउन दिख रहे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे पाई बनाना चाहेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा लाइन चार्ट ऐसा दिखेगा बार यदि आप चार्ट बनाना चाहते हैं ऐसा दिखेगा एरिया ऐसा दिखेगा मतलब सबका सकल एक ही है लेकिन सभी चार्ट ही है अब जैसा उसको प्रेजेंट करना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो सो क्लिक द कॉलम बटन बटन फर्स्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस विल देन विल डिस्प्लेड एज यू कैन सी देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेलेक्ट 3d क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट वी कैन चेंज इट to one of the other chart types later if we if we decide that this ones doesn't suit our requirements once you're selecting a chart type excel will automatically create a chart and insert into your worksheet excel kya karta hai jaise hi aap selection karenge kisi bhi जिस type का आप chart बनाना चाहते हैं तो excel क्या करता है Automatically, आपके selection के बाद ही वो chart को prepare कर देता है मतलब आपका काम आसान बना देता है यही excel जानने का फायदा मैंने आपको स्टार्टिंग में आपके काम को बहुत ही आसान बना देता है, है तो नाउ अगेन सेल्स फ्रॉम जो भी जिस रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे एंड दिस टाइम सिलेक्ट थ्री डी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट इन बार चार्ट ऑप्शन एंड यू योर बार चार्ट विल बी रेडी जैसा भी आप उसको चाहेंगे उस हिसाब का आप बना सकते हैं नोट

हेडिंग्स है उसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं मैनुअली एडिट ऑप्शन में जाके एक्सेल हैज दिस कॉलम्स कलर्स बेस्ड ऑन अ डिफॉल्ट देम यू कैन चेंज दी देम आप कलर को भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं इफ यू नीड टू यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो एंड द कॉलम्स कलर्स विल चेंज ऑटोमेटिकली यू कैन ऑल्सो ओवर राइट दी कलर मैनुअली इफ यू नीड टू देर इज नो टाइटल ऑन द चार्ट बाई डिफॉल्ट न एड वन मैनुअली और चूज अ चार्ट लेआउट दैट इनक्लूड्स वन तो आज हम लोग यहां तक थ्योरी कवर के नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एप्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस इन एक्सेल फॉर्मूला ठीक है तो आज तक आज बस यही तक हम लोग जानेंगे चार्ट से संबंधित जानकारी उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस इन एक्सेल फॉर्मूला ठीक है दोस्तों तो वीडियो कैसा रहा हमें कमेंट सेक्शन लिख के से जरूर बताइएगा और हाँ दोस्तों जैसे आप सपोर्ट हमारे चैनल पर बना के रखे हैं चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वीडियोज को देख रहे हैं और उससे सीख भी रहे हैं तो बस वैसे ही अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बना कर रखें वीडियोज को पूरा का पूरा देखें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें शेयर करें कमेंट करें फिर मिलेंगे अगले गुरुपूर्ण वीडियो में नई चीजों के संग तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच